हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई सपना, कोई ना कोई लक्ष्य होता जरूर है, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में लक्ष्य होते हुए भी अपने वो लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। आज एक रेशियो के हिसाब से देखने जाए तो 95% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में लक्ष्य तो होता है बट वो जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो लोग अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं और अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो आज मैं इसी को एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि ये 95% लोग हैं जिनके पास ड्रीम तो है, सपने तो हैं, कुछ करना तो चाहते हैं, कुछ पाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है। और जब तक हमारे जीवन में किसी काम को या किसी चीज को पाने का एक मजबूत कारण नहीं होगा, तब तक शायद हम अपने उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो पर्पस होना बहुत जरूरी है, और इस पर्पस से क्या हो सकता है मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। ये कहानी है एक व्यक्ति की जो अपने पूरे परिवार के साथ में एक शादी अटेंड करने गए थे, और शादी के अंदर वो पूरे परिवार के साथ जब पहुंचे और उन्होंने पूरा का पूरा शादी अटेंड किया, तो शादी से निकलते निकलते उनको रात को 2 बज गए, और जब रात को 2 बज गए उनके पास खुद की गाड़ी नहीं थी। जब उन्होंने रास्ते पर आकर देखा तो पूरे रास्ते वीरान थे, पूरे के पूरे सड़कें खाली थी, कोई ऑटो, कोई रिक्शा या कोई ऐसा वाहन नहीं था जो उनको घर तक पहुंचा सकते। उसी समय उनका कजिन भाई, जिसके पास में होंडा सिटी कार थी, उन्होंने कहा कि आप मेरे परिवार को घर तक पहुंचा दो, मैं मेरे तरीके से घर आ जाऊंगा, क्योंकि बारिश का सीजन है, बरसात कभी भी हो सकती है, और मेरे माँ बाप की उम्र बहुत ज्यादा है, मेरी बहन के बच्चे उनकी बहुत ज्यादा उम्र कम है, तो उनको दिक्कत आ सकती है, आप मेरे परिवार को घर तक छोड़ दो। और उनके कजिन ने कहा कि ठीक है, मैं आपके पूरे परिवार को घर तक छोड़ तो दूंगा, लेकिन मुझे 5 मिनट का समय दो और 5 मिनट में मैं अभी आता हूँ। और ये कह के उनका कजिन चला गया। वो वेट करते रहे और उनका 5 मिनट नहीं आया और उनका कजिन भी नहीं आया। रात के 2 बजे अपने पूरे परिवार के साथ में, बरसात के सीजन में, परिवार के साथ रोड पर चलकर वो अपने घर पहुंचे, शादी से अपने घर जो 10 किलोमीटर का फासला था। तो पूरे परिवार के साथ वो घर पहुंच तो गए, लेकिन उस इंसान को रात भर नींद नहीं आई, ये सोच के कि आज अगर मेरे परिवार को कुछ हो जाता, मेरे माँ बाप को कुछ हो जाता तो उसका जवाबदार कौन होता, मेरी बहन के बच्चों को अगर कुछ तकलीफ हो जाती तो उसकी जवाबदारी किसकी होती। और ये सोच सोच के उस व्यक्ति को पूरी रात नींद नहीं आए, और उस बंदे ने, उस इंसान ने एक प्रण लिया, एक बहुत बड़ा अपने अंदर कमिटमेंट लिया कि जब तक मेरे पास होंडा सिटी नहीं आ जाएगी तब तक मैं किसी शादी में या किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। और ये अपने आप से कमिटमेंट लेकर उन्होंने काम करने की शुरुआत की और पूरी तन मन के साथ में अपने उस लक्ष्य को पूरा करने में जुट गए। आप मानेंगे नहीं कि आने वाले 6 महीने के अंदर उन्होंने होंडा सिटी गाड़ी खरीद ली, और उसके बाद में उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया और फिर अपने पूरे परिवार को किसी शादी या फंक्शन में लेकर जाने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ उस व्यक्ति के साथ कि उसने 6 महीने के अंदर अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया? और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उसका कारण है, एक ही है, और वो है पर्पस। जी हाँ, उस व्यक्ति के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस था उस लक्ष्य को, क्यों उनको होंडा सिटी चाहिए वो उनका पूरा क्लियर पता था कि मुझे क्यों चाहिए, उसके पीछे का पर्पस क्लियर था। हमारे जीवन में भी अगर हमें कामयाबी चाहिए तो हमारे पीछे के दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। जी हाँ, पीछे के दरवाजे मतलब, कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है कि अगर मुझे ये चीज नहीं मिली तो इससे मैं काम चला लूंगा, इसको कहते हैं पीछे का दरवाजा खुला रखना। और जब तक हमारे जीवन में पीछे का दरवाजा खुला है तब तक हमारे जीवन के किसी भी लक्ष्य को पूरा करना हमारे लिए नामुमकिन है। और इस पीछे के दरवाजे को बंद करने के लिए हमारे पास चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पर्पस। जिस दिन हमें हमारे लक्ष्य पूरा करने का पर्पस पता चल जाएगा, मैं मानता हूं कि उस दिन हमारा कोई भी लक्ष्य अधूरा नहीं रहेगा। तो अगर हम सब जीवन के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं,
तो हम अपने जीवन के उस पर्पस को ढूंढें, उस लक्ष्य को ढूंढें कि हम कामयाब क्यों होना चाहते हैं, या हम हमारे जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वो क्यों पाना चाहते हैं। और जिस दिन हमने ये चीज शुरू कर दी, ये चीजें हमने ढूंढ ली, मैं मानता हूं कि उस दिन हम हमारे जीवन के सारे लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, हम हमारे जीवन के लक्ष्य के पीछे का कारण ढूंढें कि हम उस लक्ष्य को क्यों पूरा करना चाहते हैं। आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद।